ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, साउथ अफ्रीका, ये आपने क्या कर दिया? मतलब कि पाकिस्तान की टीम को भी आपने मात दे दी। पाकिस्तान की टीम तो चलो है ही अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी किसी टीम से जीत जाती है, किसी भी टीम से हार जाती है, लेकिन कम से कम कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जो दोस्त मेरी तरह अभी उठे हैं और उन्होंने टीवी स्क्रीन को ऑन किया है, ये लाइव स्ट्रीमिंग चलाई है, उनको मैं बताता चलूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा अपसेट हो चुका है। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे के कर दिया सेमीफाइनल की दौड़ से आउट, रखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा। तो अगला मैच जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है, इख्तियार कर चुका है क्वार्टर फाइनल की हैसियत। जो भी टीम वो मैच जीतेगी वो कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। साउथ अफ्रीका के चांसेस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच अगर बारिश की नजर होता है, ये बारिश इंटरप्ट करती है और मामला नेट रन रेट पर आता है, तो साउथ अफ्रीका का थोड़ा बहुत चांस बन सकता है। लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से हो चुका है आउट। और जिस काम की तो हम इंडिया से कर रहे थे कि मतलब इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में इंडिया ऐसा कुछ करेगा, वो काम कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। और जिस मौजे की मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, वो मौजा पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगला मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड मे द बेस्ट टीम क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।